आपने शुरुआत में देखा होगा कि कुछ सॉन्ग पर मैंने डांस किया था, उस पर आज हम वीडियो बनाने वाले, आज हम कौन सा भी प्रोजेक्ट बनाने नहीं वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आदित्य क्रिएटिव में। आज हम रेसिपी जो बनाते हैं वो बनाने वाले चिकन की रेसिपी। तो कैसे बनाते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि हमारी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमें बना लेनी है इसकी पेस्ट। तो हमें लगने वाला है दो टोमेटो, एक ऑनियन लगने वाला है और लहसुन, और फिर बाद में अदरक। तो इन सबको बारीक बारीक काट लेना है। तो चलिए इसे काट लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बारीक तरीके से कट लिया। अब हम इसे मिक्सर में से निकालेंगे। तो चलिए इसे मिक्सर में से निकाल लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर के जो हमारा बर्तन है उसमें डाल दिया है, और फिर बाद में इसे ढक्कन लगाकर हम मिक्सर पर डाल देंगे और इसका छोटा छोटा पीस बना लेंगे। सो गाइस हमें इस टाइप की इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो अब आते हैं हमारे चिकन पर। सो गाइज मैंने चिकन को ऑलरेडी उबालने के लिए रख दिया था। मैं अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ऑलरेडी से उबालने के लिए रख दिया है। मुझे लगता है ये हो चुका है, तो अब हम अगली प्रोसेस कर मिलते हैं। तो चलिए। तो गाइज जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरीके से उबाल चुका है, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से ये उबल चुका है। तो चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। सो गाइज अब हमें क्या करना है, चिकन का जो पतीला है उसे ले लेना है, और एक जो हमारे एक छोटा पतीला है उसमें इसे डाल लेना है। सो गाइस देख सकते हैं मैंने पतीले में उसका अलग सा पानी निकाल लिया, और यहाँ पर हमने चिकन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, उस पर हमारा जो मसाला है उसे डालना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस जो हमने नमक का पानी निकाला था चिकन का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, अब जो हमारा कोविड चल रहा है उसमें आप इसे जरूर पीना, और छोटे छोटे बच्चों को भी देखना देना क्या होता है, इससे जो इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ते हैं और कोविड होने के सेहत के लिए भी अच्छा है गाइस। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जो हमारे पतीले है उसमें हमें डाल देना है तेल। तो चलिए मैं तेल डाल लेता हूँ। सो गाइस इसमें हम जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे, देख सकते हैं, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे गाइस। तो गाइस देख सकते हैं हमने इसे पेस्ट को डाल दिया। अब इसे हम हिला देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे गाइस। सो गाइस आपको इसे हिलाते रहना है जब तक ये ऑरेंज कलर का ना हो जाए, रेड कलर का गाइस। और गैस को आपको लो मीडियम या फिर आपके मर्जी अनुसार आप रख सकते हैं गाइस। जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे हिलाकर कुछ इस टाइप का बना लिया, ये देखिए ऑरेंज कलर का हुआ है। और हमें क्या करना है, जो हमारा नारियल होता है उसे मैंने मिक्सर से निकाल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको इसे निकाल लेना है, ये देखिए, और इसके अंदर डाल लेना है। तो मैं इसे डाल लेता हूँ। सो गाइस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस नारियल की वजह से क्या होगा, जो तेल था हमारा वो सूख जाएगा। तो आप डरना नहीं है क्या होगा इसमें, वो सूख जाएगा गाइस, फिर बाद में वो अपने आप ऊपर आ जाता है। इसे मिक्स कर लेना है गाइस। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मसाला डालने के बाद उस पर रस्सा डाल दिया जो हमने बनाया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काला मसाला लिया है गाइस। ये हमारा होममेड मसाला है, आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, वहाँ पर जाकर आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता है और इतना अच्छा है कि गाइस आपको मसाला डालने की जरूरत नहीं है। तो बना लेते हैं हमारी सब्जी। सो गाइस मैंने जो चिकन था उसे थोड़ा सा अंदर डाल दिया और इसे मिक्स कर लिया, और अब मिक्स करने के बाद जो हमारा ये था आपको दिखा देता हूँ, ये हमें पूरा का पूरा इसके अंदर डाल लेना है गाइस, ये देखिए। सो गाइस ये जो पानी है इसे हमें क्या करना है, इस पर डाल लेना है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हमारे यहाँ पर डाल देना है इसमें। तो ऐसे करके हमें सारा का सारा पानी डालना है गाइस। सारा पानी था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे इस टाइप से, और इसे मिक्स कर लेंगे गाइस। सो गाइस जो हमने चिकन डाला था उसमें मैंने सारा का सारा मसाला डाल दिया था, इसलिए मैं ऊपर से कुछ भी नहीं डालने वाला हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी जो सब्जी है बन चुकी है, ये देखिए। सो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और तरी भी आ चुके हैं, ये देखिए। जो हम होटल से मंगाते हैं उससे तो बहुत ही अच्छी है गाइस, टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी है। इसे जरूर ट्राई करना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस मैंने इसमें नमक क्यों नहीं डाला, क्योंकि जब हमने इसे पकाने के लिए उबालने के लिए रख दिया था उस टाइम मैंने इसे बहुत ज्यादा नमक डाल दिया था, इसलिए मैं ऊपर से नमक नहीं डालने वाला हूँ गाइस। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। सो गाइस आपको बता दूं जो काला मसाला था वो अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में अपने फोन नंबर का नंबर दिया हूँ, वहाँ पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा है, दूसरा मसाला डालने की जरूरत नहीं है। तो मिलता है ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।